डायमेंशन फॉर्मूले जो है वो ड्राइव करना सीखेंगे और टू सम एक्सटेंट हम लोग मूव करेंगे अप टू द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन स्टूडेंट्स जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं डायमेंशन फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज आपको ध्यान में होगा लास्ट टाइम जो है हमने दो तीन क्वांटिटीज जो है उनका डायमेंशन फार्मूला ड्राइव करा था फॉर एग्जांपल हमने स्पीड का डायमेंशन लिया था स्पीड या वेलोसिटी का ध्यान में रखेंगे डायमेंशन फार्मूला सेम रहता है और ये हमने ड्राइव किया था ये था हमारे पास कितना एम जीरो एल वन टी माइनस वन उसके बाद एक और किया था हम लोगों ने डेनेस्टी का डायमेंशन फार्मूला ड्राइव किया था और डेनेस्टी का डायमेंशन फार्मूला ड्राइव करते समय हमने लिया था एम एल माइनस थ्री और टी कितना आया था जीरो तो ये ध्यान में होगा अब आज जो है इसी को हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं और फर्स्ट जो हमारे क्वांटिटी हम ले रहे हैं वो है हमारी कौन सी लीनियर मोमेंटम अब लीनियर मोमेंटम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड विलोसिटी जब डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव करना है इसका तो कैसे आ जाएगा मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे जी एम और विलोसिटी Velocity का डायमेंशन फॉर्मूला आप अलग से भी ड्राइव कर सकते हैं अदरवाइज का डायमेंशन फॉर्मूला है वन टी नेगेटिव फाइनल यह हमारे पास आ गया किसका लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला सो नेक्स्ट क्वांटिटी हम ले रहे हैं कौन सी वाली एक्सलेशन एक्सोलेशन यू नो चेंज इन यू नोट टाइम तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो हमने ड्राइव करना है उसके लिए कैसे करेंगे चेंज इन अब सेम वहां पे ऊपर कौन सा रहेगा हमारे पास विलस्टिटी का डायमेंशन फार्मूला तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं एल टी फिलहाल माइनस वन तो क्योंकि नेगेटिव वन ही लिखेंगे क्योंकि एम जो है वो उसमें क्या आता है जीरो ही आता है अब वहां कितना हुआ टी अब ये आ गया आपके पास कितना एल टी नेगेटिव वन था ये डिनोमिनेटर का टी है इसकी पावर कितनी है टाइम था ना टाइम का टी लिया था इसकी पावर वन है इसको ऊपर ले चलते हैं हम लोग तो ये बनेगा टी नेगेटिव वन तो ये बन गया एल टी नेगेटिव वन नेगेटिव वन ये हो गया आपके पास माइनस टू ऐसा लिखे या फाइनल अगर डायमेशन फॉर्म लिखते हैं तो कितना हो गया एम नहीं ना आ रहा है इसमें तो एम कितना हुआ अगर नहीं लिख रहे हैं हम अगर एम इसको भी लिख सकते हैं ऐसे करके एम नहीं लिख रहे हैं एम जीरो है अदरवाइज एम जीरो एल वन टी नेगेटिव टू आपके पास तो ये डायमेंशन फार्मूला बन गया किसका जी एक्सलेशन का नेक्स्ट तो नेक्स्ट हमारे तो पास आ रहा है कौन सा फोर्स ले रहे हैं। हम लोग फिजिकल क्वांटिटी एंड फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्जलेशन अब मास के लिए आप लिखेंगे यहां पे क्या एम और एक्जलेशन का फॉर्मूला अभी ड्राइव करके आए थे एल टी नेगेटिव तो ये बन जाता है आपके पास कितना एम कितना हुआ जी वन एल कितना हुआ वन और टी कितना हुआ नेगेटिव टू तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में रख देना इसको ठीक है ये स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे तो क्लियर होगा कि डायमेंशन फॉर्मूला है नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है कौन से वाला दैट इज इंपल्स इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड स्मॉल टाइम रहता है ये तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी ऊपर निकाला आपने एम वन एल वन टी माइनस टू और टाइम क्या क्या ले लेंगे हम लोग टी तो यहाँ पे आपके पास बनेगा एम वन एल कितना हो गया वन इन एल वन टी यहाँ कितना है माइनस टू नेगेटिव टू और यहाँ टी की पार कितनी है मतलब वन तो बेसिस सेम है पार्स ऐड कर देंगे ऊपर इधर की पावर नेगेटिव टू प्लस वन तो ये बना जी आपका नेगेटिव वन तो टी की पावर आ गई आपके पास कितनी नेगेटिव वन ओके जी तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है हमारे पास क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं दैट इज प्रेशर और प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया प्रेशर किसके कुल जाता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया तो फोर्स की यू नो डाइमेंशंस जो है डायमेंशन फॉर्मूला क्या है अभी ऊपर पढ़ा आपने एम वन एल वन टी कितना रहेगा नेगेटिव टू डिवाइडेड बाई एरिया लेंथ इन ब्रेथ तो एल आ रहा था इसका अब ये क्या बनेगा जी एम वन टी नेगेटिव टू और यह जो एल टू डिनिटर में है इसको आप नीटर में ले जाएंगे तो क्या बनेगा एल नेगेटिव टू तो एम और कोई एम तो नहीं है ना यहाँ पे तो एम कितना आएगा वन एल यहां कितना है वन और यहाँ एल की पार कितनी है नेगेटिव टू तो वन माइनस टू कितना हो जाएगा आपका नेगेटिव वन तो टाइम के लिए आएगा तो प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला आपके पास ये बना एक चीज ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स बड़े काम की चीज बता रहा हूँ आपको मैं कुछ क्वांटिटीज हमारे पास हैं जैसे वेलोसिटी, एक्सेलेशन और फोर्स ये मैकेनिक्स में बहुत जगह यूज होती हैं। और जब कभी भी डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वांटिटीज पक्का आएंगी तो इनके डायमेंशनल फार्मूला जो है आप माइंड में सेट कर लेते हैं तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली विलोसिटी एक्सलेशन और फोर्स इन तीन के डायमेंशन फॉर्म देखो जैसे यहां पे भी फोर्स आ गया ऊपर वाले भी फोर्स आ गया इसमें एक्सलेशन आ गया तो ये विलॉसिटी है एक्सलेशन है और फोर्स है इन तीनों को आप ध्यान रखेंगे तो नेक्स्ट हम लोग ड्राइव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास आ रही है डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी याद होगा आपको हमने इसकी यूनिट जो है वो भी ड्राइव करी थी अब इसको ड्राइव करते समय याद होगा आपको हमने लिया था एफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की बात करी थी हमने उसके अकॉर्डली एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डि कितना था आर स्क्वायर था तो यहाँ से हमने लिया था जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर को ट्रांसपोज किया था एफ के साथ तो ये एफ R2 और एम वन एम टू को ट्रांसपोज करके नीचे लाएंगे तो यह बनेगा एम वन और एम टू यह रिलेशन हो गया इसके लिए अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे क्या चीज है फोर्स फोर्स का फॉर्मूला कितना है एम एल टी नेटिव टू ओके जी यहां है आर स्क्र आर मतलब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे यहां पर एल टू हो जाएगा अपॉन ये भी मास है ये भी मास है तो मैं सीधा लिख देता हूं मास कितनी बार आ रहा है दो बार आ रहा है अब यहां देखेंगे दो तीन तरीके से कर सकते हैं हम लोग आगे कैलकुलेशन पार्ट है एम की पार अभी कितनी है कितनी है वन टी की, की पार कितनी है नेगेटिव टू यहाँ एल की पार कितनी है टू और यहाँ जो डिनमीटर में एम है इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये बनेगा एम नेगेटिव टू बन जाएगा अब यहां से फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला एम एक ये है एक ये है तो बेसिस सेम है पार्स को आप एड करोगे तो कितनी पार बन जाएगी इसकी यहां की पार है वन यहां की पार वन माइनस और यहां की पार है नेगेटिव टू तो वन माइनस टू कितना हो गया नेगेटिव वन एल कितना है यहां भी एल है यहां भी एल है यहां की पार वन यहां की पार टू वन प्लस टू कितना हो जाएगा दैट इज थ्री टाइम ए की आता है हमारे पास टू तो ये एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू ये बन गया हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला तो नेक्स्ट क्वांटिटी वी आर टेकिंग आवर स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका यूनिट भी निकाला था हमने आपको ध्यान में होगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेनेसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय डेनेसिटी ऑफ वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस देखिए ऊपर भी क्वांटिटी डेनेसिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला था एम एल नेगेटिव थ्री नीचे भी क्वांटिटी कौन सी है डेनेसिटी है तो इसका आएगा एम एल ने तो ये दोनों कट जाएंगे इसका मतलब क्या होगा नो डायमेंशन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हमारी उसमें कोई डायमेंशन नहीं है तो इस तरह की क्वांटिटीज की बात करेंगे हम लोग जो क्वांटिटीज तो होंगी फिजिकल क्वांटिटी बट डायमेंशनल फॉमुला नहीं होगा ये आगे चल के बात होगी हमारी टाइप्स में ठीक है तो एक किस्म का डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो है ये है नेक्स्ट जो है नाउ वी आर टेकिंग एज यू नो टाक इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस सो इसका डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास फोर्स का जो तो डायमेंशनल फार्मूला है इट इज एम वन एल वन टी माइनस टू और डिस्टेंस के लिए क्या ले लेंगे हम लोग एल ले लेंगे तो ये बनेगा एम वन एल और एल यहां भी एल की पार वन एल की पार वन एल पार कितना हो जाएगा टू और टी कितना है नेगेटिव टू तो ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा किसका टाप का नाउ एंगल ले रहे हैं हम लोग एंगल एंगल हमने पहले भी पढ़ा था दैट इज आर्क अपॉन रेडियस लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाई रेडियस तो लेंथ ऑफ द आर्क इट इज लेंथ रेडियस आल्सो लेंथ तो लेंथ लेंथ कट जाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा इसका मतलब एंगल जो है उसके कोई भी डायमेंशनस नहीं है डायमेंशन लेस है ये आगे आगे पढ़ेंगे हम लोग नाउ अवे टेकिंग चार्ज तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी से ले रहे हैं हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिस चार्ज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम अब शुरू में हमने बात करी थी मैकेनिक्स की जिसमें हम लोग एम एल और क्या ले रहे थे टी ले रहे थे खाली तो यहाँ पे करंट भी आ रहा है तो देखेंगे करंट चूंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है क्लियर इसका डायमेंशन भी हम लोग यूनिट ही जो इसकी है एम्पेयर ए वही लिखते हैं ए इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी वही है और इस साथ में टाइम का क्या, क्या लिखेंगे टी तो ये दोनों का प्रोडक्ट बनेगा तो एम कितना है इन दोनों में जीरो है एल कितना है जीरो है ये टी है और साथ में क्या आ गया ए आ गया तो ये आपके पास आ गया चार्ज का चार्ज का डायमेंशन फार्मूला ना ग्रेडियंट रेडियंटिक ग्रेडियंट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इट इज डिवाइडेड डिस्टेंस और का बासिलशन फार्मूला हमारे पास था कितना एल टी नेगेटिव वन अपन डिस्टेंस का कितना है एल तो एल कट जाएगा तो कितना हो जाएगा टी एस टू माइनस वन तो डायमेंशन फार्मूला फाइनल जो बनेगा इट इज एम जीरो एल जीरो और टी नेगेटिव वन है नाउ द है ऑफ विस्कोसिटी ईटा जिसको लिखेंगे फ्यूचर में हमें यूज करना पड़ेगा ये कोफिशंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका रिलेशन रहता है हमारे पास कितना फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी ग्रेडियंट तो ये बन गया आपके पास फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी नेगेटिव टू डिवाइडेड बाई एरिया का डायमेंशन फार्मूला एल टू Gradient, जो ऊपर निकाल किया है, T -1, तो, T -1. तो यहां देखेंगे आप लोग में है इसको आप ऊपर लेके गए तो कितना हुआ एल माइनस टू हुआ और टी नेगेटिव वन है तो ऊपर जाएगा तो टी क्या बनेगा पॉजिटिव बन जाएगा आपके पास इनको सॉल्व करेंगे हम लोग तो एम कोई और नहीं है यहां पर सो विल टेक एम वन एक एल आपके पास यहां है एक एल आपके पास यहाँ है तो यहां की पार है वन और यहां की कितनी है नेगेटिव टू तो वन नेगेटिव टू वन माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस वन तो टी कितना है नेगेटिव टू और यहाँ टी की पार कितनी है वन तो नेगेटिव टू प्लस वन कितना हो जाएगा नेगेटिव वन हो जाएगा तो एम वन एल नेगेटिव वन टी नेगेटिव वन ये डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा विस्कोसिटी का आई थिंक आप गए होंगे बहुत सारी डायमेंशन क्वांटिटी हम लोग डिस्कस करके फिजिकल क्वांटिटीज तो नेक्स्ट जो है अब इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट हम एक दो बातें जनरल डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स वी आर डिस्कसिंग क्वांटिटीज हैविंग सेम है फॉमुला ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें हम डेरिवेशन में भी आपने देखा होगा अगर आपका फोकस ध्यान में रखा होगा तो बहुत सारी क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी रहती हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आते हैं तो कुछ दो चार हम लोग ले रहे हैं केसेस जैसे हमारे पास वर्क है इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी या टार्क जिसका मोमेंट ऑफ फोर्स वगैरह जो है वो कहते हैं इन सबका डायमेंशन फार्मूला सेम है दैट इज एम वन एल टू टी नेगेटिव टू इसके साथ साथ हमारे पास क्वांटिटीज हैं प्रेशर स्ट्रेस यंग मॉडल्स बल्क मॉडल्स मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला भी जो है वो क्या है सेम है एंड इज एम वन एल नेटिव टू है तो ये क्वांटिटीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए डायमेंशन फार्मूला सेम है या आपको कहीं ना कहीं पर ऑब्जेक्टिव टाइप में हेल्प करेगा ना मोमेंटम और इम्पल्स डेरिवेशन में भी किए थे हमने दोनों इनका डायमेंशन फार्मूला भी सेम है तो इस तरह की कुछ क्वांटिटीज रहती हैं तो आपको ध्यान रखना है थर्स्ट फोर्स वेट इनका डायमेंशन फार्मूला भी सेम है एम वन एल वन टीगेटिव टू है डायमेंशन तो फार्मूला से कुछ केसेस हम लोग ले रहे थे जिनका डायमेंशन फार्मूला आप काम आएगा आपको यहां पर एक असाइनमेंट क्योंकि मेरी तरफ से बात बहुत हो गई अब आपकी तरफ से एक असाइनमेंट छोटी सी दे रहा हूं मैं आपको नेम द क्वांटिटी आर क्वांटिटीज क्योंकि अभी हमने देखा कि एक या दो क्वांटिटी का सेम डाइमेंशनल फॉर्मूला होता है सो नेम द क्वांटिटी आर क्वांटिटीज हैविंग सेम डाइमेंशनल फॉर्मूला हैविंग द डायमेंशन फॉर्मूला दिस वन तो हमें यह बताना है कि ये जो डायमेंशन फॉर्मूला मैंने लिखा है ये किस फिजिकल क्वांटिटी का या किन फिजिकल क्वांटिटीज का होगा इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कोई अल्टरनेट वे कोई मेथड आपको क्या करना है फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है डायरेक्ट लिस्ट से देखकर आप लोग नहीं लिखेंगे क्वांटिटीज का नाम और मुझे बताएंगे भी पक्का कि कौन सी क्वांटिटी या कौन कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका ये डायमेंशन फार्मूला तो एक अल्टरनेट मेथड की तरफ जाएंगे आप लोग क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें एग्जाम में आते हैं तो एक अल्टरनेट मेथड आप लोग केउट करेंगे चूज करेंगे करेंगे फाइंड आउट सो दैट कि आपको अगर आप डायमेंशन फार्मूला पता हो तो उसका यूनिट और वो क्वांटिटी कौन सी है आप तो ये आप फाइंड कर सकते आपके लिए होमवर्क है या असाइनमेंट है क्योंकि क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे करेंगे बट फिलहाल आपके लिए ये असाइनमेंट है आप इस पर वर्कआउट करेंगे नेक्स्ट uh, टॉपिक हमारा ले रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एक बात आपको जान में हमने डिस्कस की थी बट वहां पर बेस अलग था वहां बेस था कि कौन सी बेसिक है और किसको आप डराइव कर सकते है? यहां पर जो बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ये ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन के बेस पे करेंगे हम लोग किस बेस पे डायमेंशन के बेस पे करेंगे डायमेंशनल फॉर्मुलेस वगैरह के बेस पर फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स देखेंगे तो स्टूडेंट्स इस इसमें देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन फोर तरह डिफरेंट टाइप्स फोर टाइप्स की हमारे पास जो है वो क्वांटिटीज रहती हैं तो हम लोग देखते हैं वन बाई वन क्या क्या है वो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है कौन सी डायमेंशनल कांस्टेंट कौन सा फर्स्ट क्वांटिटी आती है डायमेंशनल कांस्टेंट दूसरी आती है डायमेंशनल वेरिएबल थर्ड वन इज नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट एंड द फोर्थ वन इज नॉन डायमेंशनल वेरिएबल अब हम लोग देखते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट जो है इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग ये रहा कि वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज तो होंगी क्या कांस्टेंट बट साथ साथ में दे है पोजेस्ट बट डायमेंशनल फार्मूला क्वांटिटीज वो वैल्यू कांस्टेंट होगी बट साथ साथ में उनका डायमेंशनल फार्मूला भी होगा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कैपिटल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है एक कांस्टेंट साथ साथ में क्या है इसका डायमेंशन फार्मूला भी ड्राइव किया इसका मतलब ये कांस्टेंट भी है और इसका डायमेंशनल फार्मूला भी है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट सेम इज द केस विद द प्लैंक कांस्टेंट तो इस तरह के जो कांस्टेंट है वो हमारे आते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट आते हैं सेकेंड वे आर टेकिंग डायमेंशनल वेरिएबल वेरिएबल का मीनिंग समझ रहे होंगे चेंजिंग जिनकी वैल्यूज क्या होती है चेंज होती है तो वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज जो है वो क्या हो रही चेंज हो रही है जिनकी वैल्यूज क्या हो रही है चेंज हो रही है और साथ साथ में क्या होगा उनका डायमेंशनल फार्मूला भी होगा सो द क्वांटिटीज विच आर वेरिएबल इन नेचर एंड पोजेस द डायमेंशनल फार्मूला तो मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज हमारे पास है ना स्टूडेंट्स वो यही इसी कैटेगरी में आती हैं जिसमें आपका स्पीड फोर्स एरिया वॉल्यूम प्रेशर ये सभी क्वांटिटीज जो है आर वेरिएबल्स नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट अब ये क्वांटिटीज कौन सी होंगी ये क्वांटिटीज होंगी कांस्टेंट होंगी बट साथ साथ में क्या होंगी नॉन डायमेंशनल होंगी वैल्यू तो कांस्टेंट होगी बट डायमेंशनल फॉर्मूला कोई नहीं होगा इनका तो इस तरह की क्वांटिटीज जो है वैल्यू कांस्टेंट और डायमेंशनल फॉर्मूला कोई नहीं है वो हमारी होंगी कौन सी नॉन डायमेंशनल फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नंबर्स हैं वन टू थ्री या पाई वगैरह जो है फाइव आर नॉन डायमेंशनल नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स ये क्वांटिटीज जो होंगी वो वेरिएबल क्वांटिटीज होंगी वेरी करती होंगी चेंज करती होंगी और नॉन डायमेंशनल होंगी मीन इनका डायमेंशनल फॉमुला कोई नहीं होगा इस तरह की क्वांटिटीज को भी कुछ ड्राइव करा हमने एक दो फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने लिया आपने देखा होगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला कोई नहीं निकला स्ट्रेन लिस्ट में चेक करेंगे इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला कोई नहीं होता बट ये सभी वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो टेंथ में भी पड़ा होगा आपने डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग होती है बट इसका डायमेंशन फॉमूला कोई नहीं होता इट इटमींस ये वेरिएबल क्वांटिटी है और साथ साथ में क्या है नॉन डायमेंशनल है तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट जो है डायमेंशन वगैरह पढ़ने के बाद अब हमें ये देखना है कि उन फॉर्मुल को अप्लाई कहां कहां पे करना है हम लोगों के सो वी आर डिस्कसिंग यूजेस ऑफ डायमेंशन एलिसिस तो कहां कहां पे डायमेंशन एलिसिस मीन डायमेंशन फार्मुल को आप लोग क्या कर सकते हैं यूज तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंडर हम लोग तीन डिफरेंट यूजेस जो है वो डिस्कस करेंगे फिलहाल इस वीडियो में जो है वो एक ही कर रहे हैं तो रेस्ट जो दो हैं वो हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो फर्स्ट यूज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पर दैट इज चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फिजिकल रिलेशन तो डिफरेंट जो रिलेशन हमारे पास आते हैं फिजिकल रिलेशन आते हैं उनकी एक्यूरेसी को चेक करना है कि क्या वो करेक्ट हैं या नहीं करेक्ट हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं डायमेंशन का हेल्प लेते हैं अब एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले ये डिस्कस करना है क्या चीज प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्योंकि जब फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे तो ये वाला पॉइंट हमें पता रहना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजन प्रिंसिपल ऑफ क्या कहते हैं कि कोई भी रिलेशन है हमारे पास कोई भी रिलेशन है और उसका लेफ्ट हैंड साइड होगा उसका कौन सा होगा राइट हैंड साइड होगा तो जो डायमेंशन जो है लेफ्ट साइड में होंगी राइट साइड में जितनी मर्जी टर्म्स हो जाए सब जगह पे डायमेंशन जो है वह क्या होंगे सेम होंगे लेफ्ट साइड पे जो क्वांटिटी आएगी उसका डायमेंशन यहां की फर्स्ट टर्म जो है उसका डायमेंशन यहां की सेकंड टर्म जो है उसका डायमेंशन ये सब जगह आपस में क्या होंगे सेम होंगे तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इसको कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ वेरियस टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड तो ये है हमारा क्या प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमजिनिटी अब हम इसको यूज करेंगे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग फर्स्ट रिलेशन हम ले रहे हैं कौन सा v इक्वल टू यू प्लस एटी ये जाना पहचाना रिलेशन है ये आप लोगों ने जो है ये रिलेशन यूज किया होगा नाइन्थ में और इलेवंथ में भी यूज करेंगे आप लोग क्लियर तो इसकी एक्यूरेसी चेक करनी क्या ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है v इक्वल टू यू प्लस एटी ये तो हमें वैसे पता ही है कि करेक्ट है फिर भी हम इसकी एक्यूरेसी चेक कैसे करनी है मैथड देख लेंगे आप लोग तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास है क्या विलोसटी है तो विलसटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा आपने एम जीरो

राइट right साइड में क्या था हमारे पास फर्स्ट टर्म में एम जीरो पर तो एम जीरो आ गया एल वन एक ही है टी यहां, तो यहां भी है यहां भी है तो बेसिस सेम पार सेट तो पार यहां की पार कितनी थी वन तो नेगेटिव टू प्लस वन तो नेगेटिव टू प्लस वन कितना हो जाएगा नेगेटिव वन सो टी की वैल्यू कितनी आएगी नेगेटिव वन अब यहां देखें यहां का डायमेंशन यहां का डायमेंशन और यहां के डायमेंशन तीनों आपस में क्या है सेम है इसका मतलब ये जो रिलेशन हम लोग यूज कर रहे थे ये क्या है करेक्ट है सो वाई टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर टू चेक द एक्सी या करेक्टनेस ऑफ दिस वन रिलेशन टी इक्वल टू टू पाई स्टेट ऑफ एलबी तो रिलेशन में भी शायद आपने पढ़ा हो कहीं पर दिस इज द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पैंडम सिंपल पैंडलम केस में टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन है तो इसकी चेक करते हैं हम लोग so, है? Uh, है या नहीं है तो एक बात रखेंगे इट इज कांस्टेंट और कांस्टेंट है ये कौन सा कांस्टेंट है इट इज द डायमेंशनल लेस कांस्टेंट नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है तो इसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे सो लेफ्ट साइड पे टी है तो टी इक्वल टू एल अपॉन जी जी यू नो इट इज द ग्रेविटी और एक्सलेन टू ग्रेविटी का सेम डायमेंशन फॉर्मूला आएगा एज ऑफ एक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है एल टी है सो विच इक्वल टू ये, ये आप कट कर सकते हैं टी रेस्ट टू नेगेटिव जो है टू है माइनस टू जो है डिनोमीटर में है इसको ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव में बन जाएगा ये इसका स्केर रूट यहां स्कूट है यहां स्कूल यू नो तो T इज इक्वल टू स्क्योर्ड कट जाएंगे आपस में तो ये भी क्या आएगा T तो लेफ्ट साइड में भी T आया राइट साइड में भी T आया इसका मतलब ये रिलेशन जो है हमारा क्या है डायमेंशनली करेक्ट है क्लियर तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो तक वेट करें इस सब चीजों पे प्रैक्टिस करें कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे बात कर सकते हैं अपना क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं ओके थैंक यू